आईपीएल का आयोजन हमारे देश में हर साल होता आया है, सिर्फ कोविड के कारण ही इसे यूएई में ऑर्गेनाइज करवाया गया, लेकिन आईपीएल को देखने वाले दर्शकों में कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई है। आईपीएल आज भी एक ऐसा पॉपुलर इवेंट है जिसने ऑडियंस को अपनी तरफ जोड़ के रखा हुआ है। वैसे ही हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही आईपीएल से जुड़ी भी कई ऐसे बातें हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हमने आपको कुछ ऐसी चीजें आईपीएल से जुड़ी बताई हैं जो एज अ ऑडियंस भी आपको पता होनी चाहिए। साथ ही हमें ये जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के थ्रू। नंबर वन, टर्मिनेशन ऑफ अ आईपीएल टीम। आप में से काफी कम लोग ही जानते होंगे कि आईपीएल के 2011 के सीजन के दौरान आईपीएल की एक नई टीम जिसने डेब्यू करा था, कोची टस्कर्स, जो सिर्फ 2011 में ही खेलती नजर आई थी, जिसे हमेशा के लिए बैन कर दिया सिर्फ अपने पहले सीजन के खेलने के बाद ही। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हर साल टीम ओनर्स को बैंक गारंटी प्रोवाइड करवानी होती है आईपीएल के हर सीजन में, जिसे कोची के टीम ओनर्स नहीं प्रोवाइड करवा पाए थे। साथ ही फॉर्मर विदेश राज्य मंत्री रहे श्री शशि थरूर जी का नाम भी टीम के साथ जोड़ा जा रहा था, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी मिनिस्टर और पॉलिटिशियन आईपीएल टीम का हिस्सा नहीं बन सकता, जो और भी ऐसे कारण बने जिसके कारण टीम बैन हो गई। बैन होने के बाद और भी बातें सामने आई थी, जिसमें सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी रही थी ललित मोदी से जुड़ी, जो कि आईपीएल के फाउंडर रहे थे, जिन पर करप्शन के चार्जेस लगे थे कि उन्होंने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली का फेवर करा है टीम्स की ओनरशिप उन्हें दिलवाने में, जिसकी भनक उन्हें पहले से ही थी कि वह कभी भी पकड़े जा सकते हैं, जिसके कारण ही वह समय लगते लंदन भाग गए और तब से एक बार भी वह इंडिया वापस नहीं आए हैं। नंबर टू, फेक आईपीएल प्लेयर। 2009 के आईपीएल सीजन के दौरान एक वेबसाइट पॉपुलर हुई थी जिसमें काफी कंट्रोवर्शियल स्टोरी पोस्ट की जाती थी आईपीएल टीम एंड उनके प्लेयर से जुड़ी, जिसमें सबसे ज्यादा स्टोरीज केकेआर को लेकर थी, जो उस सीजन के दौरान काफी स्ट्रगल कर रही थी, बल्कि टीम में भी इस वेबसाइट के कारण बहुत टेंस्ड माहौल रहता था। वेबसाइट को लेकर एलिगेशन है कि वह आकाश चोपड़ा या संजय बांगर में से किसी की है, क्योंकि दोनों इंग्लिश राइटिंग में काफी फ्लुएंट थे। वह दोनों न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल्स भी लिखा करते थे, जिसके बारे में 2014 में आकाश चोपड़ा ने बताया था कि उन्हें इस वेबसाइट के कारण ही सीजन के दौरान बाहर कर दिया गया था, लेकिन बाद में ये सबके सामने आया था कि वेबसाइट कोई अनुपम मुखर्जी मैनेज कर रहे थे, जिनका आईपीएल से कोई वास्ता नहीं है, जो अब एक पॉपुलर ऑथर बन चुके हैं। नंबर थ्री, स्पॉट फिक्सिंग। साल 2012 में काफी अनकैप प्लेयर्स को स्पॉट फिक्सिंग के कारण आईपीएल से सस्पेंड कर दिया गया था, जिसके बाद ये अज्यूम करा जा रहा था कि स्पॉट फिक्सिंग आईपीएल में धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन 2013 के आईपीएल सीजन के दौरान स्पॉट फिक्सिंग को लेकर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई थी, जिसमें सिर्फ टीम के प्लेयर्स ही नहीं बल्कि टीम के ऑनर्स भी शामिल थे। उस समय राजस्थान टीम के प्लेयर्स सुशांत, अजीत चंडेला एंड अंकित छावन पर स्पॉट फिक्सिंग के चार्जेस लगाए गए थे, जिसके बाद उन्हें जेल भी हुई थी। साथ ही चेन्नई के टॉप ऑफिशियल्स रहे गुरुनाथ मैयप्पन और राजस्थान के ऑनर राज कुंद्रा पर भी आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग के चार्जेस लगाए गए थे, जिसके कारण दोनों टीमों को 2 साल के लिए आईपीएल से बैन कर दिया गया था। बल्कि इस फिक्सिंग में तो धोनी का नाम भी सामने आया था, जिसके कारण उनके करेक्टर पर भी सवाल उठने शुरू हुए। नंबर फोर, पेमेंट इन ब्लैक। साल 2012 में एक स्टिंग इंटरव्यू सामने आया था आईपीएल के प्लेयर रहे मोनीश मिश्रा का, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि आईपीएल टीम के ओनर्स प्लेयर्स को इनडायरेक्टली ब्लैक में भी पेमेंट करते हैं टीम का हिस्सा बनने के लिए। मोनीश ने पुणे के साथ डील करी थी 1,45,00,000 की, लेकिन बीसीसीआई को ये बताया गया था कि डील 30,00,000 में फाइनल हुई है, 1,15,00,000 उन्हें इनडायरेक्टली पे करे गए थे। बल्कि ऐसे खबरें भी समय समय पर सामने आती रही है, जिसमें ये बताया गया था कि टीम के ओनर्स प्लेयर्स को महंगी महंगी गाड़ियां गिफ्ट कर देते हैं या बिजनेस में पार्टनरशिप दे देते हैं अपने ब्लैक मनी को छुपाने के लिए। आईपीएल जितना ग्लैमरस है, उतना ही उसमें ऐसी भी बातें हैं जो सबके सामने आती रही हैं समय समय पर। वीडियो आपको कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर, और अगर यहाँ तक आपने देख लिया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।